संभल में पुलिस ने कलयुगी कातिल दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिसने दोस्ती की आड़ में दोस्त की पत्नी को एक तरफा तरीके से हासिल करने को शराब पिलाकर दोस्त की ही हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी कलयुगी दोस्त को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। दरअसल हत्या की वारदात संभल के थाना नखासा क्षेत्र में हातिम सराय रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन की है, जहां 27 जुलाई को अज्ञात शव मिला था। मृतक के सिर में गंभीर चोटें थी और बाद में मृतक की शिनाख्त शंकर निवासी लोधी सराय के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि मृतक पुताई का काम करता था और इसी क्रम में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के खुलासे में बताया कि शंकर के साथ काम करने वाले उसके दोस्त विनीत ने उसकी हत्या कर दी। विनीत उसकी पत्नी को हासिल करना चाहता था और शंकर को शराब पिलाकर पत्नी के बारे में मजाक करता था, जिसका शंकर बुरा मान जाता था। विनीत को लगा कि शंकर के रहते वो उसकी पत्नी को हासिल नहीं कर सकता। 27 जुलाई को उसने रेलवे लाइन पर शंकर के साथ शराब पी और पत्नी के संबंध में मजाक किया, जिससे शंकर चिढ़ गया और उसने गाली गलौज और हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद विनीत ने शंकर को रेल लाइन पर पटक दिया और रेल की लाइन में सिर मार मार कर उसकी हत्या कर दी। ये 27 जुलाई को थाना नखासा के क्षेत्र राय सत्ती चौकी क्षेत्र में हातिम सराय एक रेलवे स्टेशन है, उसके पास रेलवे पटरी पे एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई थी मृत अवस्था में, जिसकी पहचान शंकर पुत्र ब्रह्मानंद लोधी सराय के रूप में हुई थी। वो अज्ञात में थी, उसका उस समय पंचायतनामा भर के पीएम के लिए भेज दिया गया था। बाद में उसकी पहचान हुई, फिर इसमें मुकदमा कायम हुआ। इसमें नखासा पुलिस द्वारा जो है आज अनावरण करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम विनीत पुत्र हरकेश जाटव ग्राम महमूदपुर इमा है, यहाँ रहने वाला था। मृतक और इसके मारने वाले दोनों दोस्त थे, साथ में काम करते थे, इनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। इसकी पत्नी से आसनाई के चक्कर में इसने ये घटना को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि अब पुलिस टीम इसे अपनी बड़ी सफलता मान रही है।